अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हूँ शहंशाह हफ्तिया कलीम हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी पर। जी हाँ, बड़ा ताजबाग नागपुर दरगाह में। वैसे तो आपने नागपुर के दरगाह हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी की बहुत सारी ब्लॉग वीडियो देखे हैं होंगे, लेकिन आज की इस ब्लॉग वीडियो में मैं आपको जो ताजबाग में जो शाही मस्जिद है उसकी भी ब्लॉग वीडियो और उर्स और बर्थडे में हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी का कैसा माहौल रहता है और जो शाही मस्जिद में जो गहवारा रखा हुआ है जिसमें हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को ले जाया गया था, वो गहवारे की ज्यारत भी करवाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं पहुँच गया हूँ ताजबाग दरगाह हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी पर और आज नमाज जुमा का दिन है। तो सबसे पहले तो आपको फुल माहौल दिखा देते हैं कैसे शाही संदल और बर्थडे में हुजूर बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी पर जायरीनों का हुजूम टूट पड़ता है और सब अपने अपने अंदाज में खराज अकीदत पेश करते हैं। अगर आप पहले कभी ज्यारत नहीं किए हैं शाही संदल और बर्थडे की हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी की, इस ब्लॉग वीडियो से आप ज़रूर कर सकते हैं और जब भी उसका माहौल हो या बर्थडे हो आप ज़रूर हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी पर तशरीफ़ लाएं, उनकी पहचान करम से मालामाल हो। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ शहंशाह हफ्ते कलीम हज़रत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थानी के सामने जो शाही मस्जिद बनी हुई, वहाँ तो देख सकते हैं जुमा के बाद कुछ इस तरह का नूरानी मंदिर है। जो जमाती हैं वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं जुमा की और सबके लिए दुआ करते हैं, और इस तरह से देख सकते हो हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के शाही मस्जिद में जो गहवारा रखा हुआ है